हेलो एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम करने वाले हैं डेमोस्ट्रेशन 43 इंचेस सैमसंग के स्मार्ट फुल एचडी टीवी की। तो मेन इसकी क्या आपको सैमसंग इसके अंदर नया दे रही है 2022 में, क्या क्या सैमसंग ने इसके अंदर और नया ऐड किया है, एक एक करके हम हर एक चीज़ की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर कमेंट करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये थी इसकी फर्स्ट लुक्स और अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी टीवी आप परचेज करते हो, सबसे मेन हाईलाइट चीज होती है उसकी पिक्चर क्वालिटी। तो सैमसंग ने इस फुल एचडी टीवी के अंदर सबसे मेन जो इनकी पिक्चर क्वालिटी दी है प्योर कलर विद एचडीआर। इसके अंदर जो सबसे मेन है प्योर कलर विद एचडीआर मिलते हैं आपको। इसका बेनिफिट क्या है, जो कलर्स जो मूवी आप देख रहे हो, सॉन्ग्स आप सुन रहे हो या कुछ भी आप देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, उसके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल प्योर मिलते हैं आपको। सेकेंड है इसके अंदर एचडीआर हाई डायनेमिक रेंज, इसका सबसे बड़ा मेन बेनिफिट है। जहाँ पे भी आपके डार्क सीन्स होते हैं वहाँ पे भी आपको प्रॉपर डिटेल नज़र आती है। और इसी के साथ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा इसकी पिक्चर क्वालिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है इसकी पिक्चर क्वालिटी, आपको डार्क सीन में भी बिल्कुल प्रॉपर डिटेल नज़र आएगी। इसी को हम कहते हैं एचडीआर। कलर्स भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलते हैं, बिल्कुल नेचुरल कलर्स मिलते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। ये देखिए कहीं भी आप इसकी पिक्चर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर डिटेल के साथ आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। नेक्स्ट फीचर के अंदर इसके अंदर जो मेन हाइलाइटेड है सैमसंग टीवी प्लस। इसका बेनिफिट क्या है, नॉर्मली आप कोई भी डिश यूज करते हो, कभी कभार उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है या कई बार सिग्नल की वजह से आप चैनल्स नहीं देख सकते। तो सैमसंग ने इसका सोल्यूशन क्या किया, सैमसंग ने अपनी नई एप्लीकेशन लॉन्च किया सैमसंग टीवी प्लस, जिसके अंदर आप 55 से भी ज़्यादा जो फ्री टू एयर वाले चैनल हैं वो आप टीवी के ऊपर ही देख सकते हो। जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, चाहे आपके घर पे एक वाईफाई लगा हो या आप अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट भी यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे 55 से भी ज़्यादा चैनल जो हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसकी चैनल लिस्ट है, ये देखिए बहुत सारे चैनल हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आपको इसके अंदर बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार है, एप्पल टीवी है, यूट्यूब है, गैलरी है, इंटरनेट ब्राउजर है, एप्पल म्यूजिक है और ट्यून स्टेशन है और किड्स टीवी भी है। किड्स टीवी का बेनिफिट ये है कि जो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इनको आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो, उनको देख सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको मिलता है ट्यून स्टेशन। इसका बेनिफिट है कि जैसे नॉर्मली आप वीडियोस गाने देखना चाहते हो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बट कभी कभार मूड होता है कि आपने सिर्फ सुनना है, तो उसके लिए सैमसंग ने आपको इसके अंदर एक बिल्ट इन म्यूजिक प्लेयर भी दिया है, जहाँ पे आप गाना एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन गाने सर्च कर सकते हो, उनको सुन सकते हो, या फिर अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे गाने सर्च कर सुन सकते हो। इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए माय प्लेलिस्ट, हिंदी टॉप सॉन्ग्स, पंजाबी टॉप सॉन्ग्स और इंटरनेशनल हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी सब आ जाते हैं जो आप यहाँ पे आराम से सुन सकते हो। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव से भी आप यहाँ पे जो टीवी है अपने आप सारे जो आपका डाटा है उसको उठा लेता है। इसके अलावा आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको वाइट या ये पसंद नहीं है तो आप इसको ब्लैक कर सकते हो, कोई भी अलग कलर कर सकते हो। इसके अलावा आप इसका शोकेस मोड पे इसको लगा के रख सकते हो। इसके अंदर जैसे बहुत सारे शोकेस मोड मिल जाते हैं, ये देखिए ये जो भी आप देख रहे हो सी का, एक जैसे बालकनी से एक सी को देख रहे होते हैं, या एक्वेरियम मिल जाता है, ये एक्वेरियम का इसके अंदर शोकेस मोड। इसके अलावा ये तो है ही है इसके अंदर, इसके अलावा अगर आप इसको स्क्रीन को ऑफ करना चाहते हो तो स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हो, जस्ट आपको सिर्फ आवाज़ आएगी, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन ऑफ हो गई है और आपको सिर्फ साउंड वगैरह मिलेगी, और उस साउंड को आप रिमोट से ही कंट्रोल भी कर सकते हो अप या डाउन बन टीवी के अंदर ही। तो ये थे इसके म्यूजिक प्लेयर। अब बात करते हैं हम इसके स्मार्ट इंटरनेट ब्राउजर की। ये देखिए यहाँ पे आपको इंटरनेट ब्राउजर मिल जाता है,
जो कि एक KNOX की सिक्योरिटी के साथ आता है। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी आप यहाँ पे मेल वगैरह खोलते हो, अपनी कुछ भी डाटा ओपन करते हो, वो टोटली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। KNOX की सिक्योरिटी आपको इसके अंदर मिलती है। और इसके अंदर जो ये नॉर्मली टीवीज के अंदर आप सुनते होंगे कि माउस वाला रिमोट आ रहा है, माउस वाला रिमोट, तो इस टीवी के अंदर आपको माउस वाले रिमोट की जरूरत नहीं है। जो इसका कर्सर है वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी आपने सेलेक्ट करना होता है वहाँ पे ऑटोमेटिक जाता रहता है। आपको मतलब एक माउस वगैरह की भी नीड नहीं है, बड़े आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसके अंदर जो स्क्रीन मिररिंग है वो भी टोटली हर एक चीज के साथ आप कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है तो एंड्रॉयड से तो कर ही सकते हो। अगर आपके पास एक आईफोन है, iOS डिवाइस है, चाहे वो मैकबुक है, तो उससे भी आप इसके अंदर स्क्रीन शेयरिंग बड़े आराम से कर सकते हो। रिमोट पीसी आप यूज कर सकते हो, आप अपना आईपी एड्रेस यूज करके अपने लैपटॉप को टीवी के ऊपर बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। बड़े स्क्रीन पे यहीं से आपका पूरा जो लैपटॉप है वो यहीं पे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑफिस 365 मिल जाता है। इसके अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा का पूरा मिल जाता है। आप उसको ऑनलाइन यूज कर सकते हो, अपनी फाइलें उसके ऊपर बड़े आसानी से बना सकते हो, उनको अपलोड कर सकते हो। ओपन भी करके दिखाता हूँ, बट इसके अंदर आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट की जैसे ही आप ईमेल आईडी वगैरह इसके ऊपर डालोगे, उसी के बाद आप इसमें जो फाइलें हैं वो आप बड़े आसानी से बना सकते हो। तो ये थे इसका और अदर फीचर्स। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आपको इसके अंदर मिल जाता है कंटेंट गाइड। कंटेंट गाइड का बेनिफिट क्या है, जैसे आप कोई भी अपना एक कंटेंट सर्च कर रहे हो, आपको नहीं पता वो कहाँ पे मिलेगा, तो इसके अंदर एक सर्च का ऑप्शन स्मार्ट हब के अंदर ही मिल जाता है। इस जो पूरा आउटपुट आप देख रहे हो इसको हम स्मार्ट हब बोलते हैं। एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे आपको देखिए सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी आपका कंटेंट सर्च करते हो, तो अगर किसी भी कोई भी टीवी शो है, कोई मूवी है या कोई एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप सर्च करो और वो जहाँ भी पड़ा होगा वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। चाहे वो किसी भी ऐप पे हो, किसी YouTube पे हो, कहीं भी हो, तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए और वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको अलग अलग एप्लीकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप उसको सर्च कर सकते हो। तो ये था इसका फीचर कंटेंट गाइड। अब अगर हम बात करें इसके टीवी के इनपुट की, तो इनपुट के अंदर आपको इसके अंदर देखिए ऑक्स के लिए इनपुट भी मिल जाता है यहाँ पे, और उसके नीचे केबल का इनपुट है, उसके नीचे आपको एक लैन केबल लगानी है तो उसके लिए मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने के लिए। उसके बाद आपको दो HDMI मिलती है, और उसके नीचे आपको मिल जाता है एक पेन ड्राइव लगाने के लिए। तो ये है सारे इसके इनपुट्स जो आप इसके अंदर बड़े आसानी से लगा सकते। उसके बाद अगर हम इसके रिमोट की बात करें, तो ये आप मेरे हाथ में आप देख रहे हो इसका स्मार्ट रिमोट। ये भी सारी जो कीज़ आपके लिए यूज़ होने वाली होती हैं सारी कीज़ के साथ आता है। बहुत सारी कीज़ हैं इसके, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़, G5, गाइड का ऑप्शन है, होम की है, ये सब कुछ आपको। ये है इसका रिमोट कंट्रोल। तो ये था इसी सैमसंग के 43-inch स्मार्ट टीवी फुल HD टीवी का डेमोस्ट्रेशन। तो आपको कैसा लगा ये टीवी कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी और नए प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन के साथ। चलिए टाटा बाय बाय।